महागणेशाय नमः। ओम गंगापतये नमः। गणपति उवाच से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पूर्व आपसे निवेदन करूँ कि मेरी चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। और मैं तो जाते जाते आप कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट में तो लिखें, कुछ नहीं लिखना चाहते तो फिर माँ गणेशाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, जय माता दी, जिसको आप मानते हो, जिस इष्ट जो आपका इष्ट हो उसके बारे में लिखिए, भगवान का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों देखिए मैं अभी क्या चर्चा कर रहा हूँ, एक अभी देखिए मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं इम्पोर्टेंट विषय चर्चा करूँ। देखिए शनि की साढ़े साथी अब मकर राशि पर, मैं मकर राशि की बात कर रहा हूँ स्पेशल, उतरने को है, मतलब लास्ट चरणों में चल रही है, कुछ टाइम बाद जो है उतर जाएगी। तो अभी तो खैर रहेगी 2024 में तो रहेगी, कोई बात नहीं है। जब शनि जब कुंभ राशि से निकल के आएंगे आगे मेष राशि में आएंगे, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आएंगे, यानी मेष राशि में साढ़े साथी लगेगी। जब मीन राशि में आएंगे तो मेष राशि में साढ़े साथी लग जाएगी, क्योंकि एक घर आगे भी एक घर पीछे असर रहता है। तो कुंभ में रहेगा असर जब आ जाएंगे मेष में, जब मीन में आ जाएंगे तो कुंभ में असर रहेगा और मेष में असर रहेगा, लेकिन मकर राशि शनि की साढ़े साथी से मुक्त हो जाएगी। तो शनि की जो अच्छा शनि की जो राशि है मकर, मकर में शनि के लिए काल पुरुष की कुंडली के 10वें भाव के स्वामी और 11वें भाव बैठे हुए हैं, तो मकर राशि शनि की अपनी राशि है। तो शनि के लिए मैं बता रहा हूँ, यह अब स्पेशल टाइम हो गया। शनि वालों देखो, आज से 30 साल पहले तुम क्या हाल था तुम्हारा, क्या नुकसान हो रहा था, क्या लाभ हो रहा था, नौकरी में क्या था। अगर आप अभी इस लायक हैं नौकरी में काम कर सकें, व्यवसाय कर सकें, यानी देखिए शनि की जो राशि है मकर, 10वां भाव है काल पुरुष की कुंडली की, तो 10वां भाव का मतलब जॉब, और 11वां है लाभ का भाव, तो शनि लाभ भाव में बैठकर लाभ दे रहे हैं, तो अपनी राशि को तो लाभ देंगे। मकर राशि के लिए खासतौर से मकर राशि जब लग्न में बैठी है तो शनि धन भाव बैठे हैं, तो धन भाव में धीमे ही सही पर अपनी राशि को लाभ तो देंगे। दाम्पत्य जीवन में कुशल रखेंगे, यानी परिवार में कुशलता रहेगी, परिवार के सीनियर लोग सब अच्छी तरह से बात करेंगे। तो जब शनि की साढ़े साथी उतर रही है, आप देखिए 30 साल पहले भी ऐसा हुआ था, उतर रही थी साढ़े साथी, 30 साल बाद शनि अपने उसी जगह आते हैं, तो आपको कैसा रहा था, आपको क्या लाभ मिला था, क्या नुकसान मिला था। मैं दावे से कह सकता हूँ आपको धन की आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी, धन का लाभ हुआ होगा, जॉब में तरक्की मिली होगी खासतौर से, और जॉब में तरक्की, व्यापार में तरक्की, जो भी आप काम करते हैं उसमें व्यवसाय में तरक्की, तभी तो लाभ, तभी तो पैसा आएगा। तो ये शनि की साढ़े साथी जो है उतरते हुए, शनि की हर राशि के लिए होता है, जिस राशि में भी साढ़े साथी रहती है जब वो आखिरी चरणों में होती है, 7.5 साल होने वाले होते हैं, तो उतरने से एक महीने पहले से बहुत अच्छा लाभ। तो मकर राशियों के, मकर राशि वाले जातकों को बता रहा हूँ मैं अभी आपको सारे, मतलब मकर राशि वालों के 10वें भाव राशि जो है, देखिए बृहस्पति आपके जो है बैठे हुए हैं 4थे भाव में, तो सारे सुख साधनों की वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति, सुख साधन, बंगला गाड़ी भूमि भवन सब दिला रहे हैं, और जो भी और चीज़ें जिसे सुख मिलता है वो सब दे रहे हैं। तो मकर राशि के लिए शनि धन भाव में बैठकर धन धान्य तो देंगे, अपनी राशि को नहीं देंगे तो किसको देंगे, और बृहस्पति 4थे भाव में बैठकर के सब सातवीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं, 10वां भाव मतलब शुक्र की राशि तुला, तो तुला राशि पर दृष्टि है बृहस्पति की, तो सुख साधनों की वृद्धि तो कर ही रहे हैं 4थे में, 10वें भाव में वो रोजगार में, व्यापार में तरक्की दिलाएंगे। और देखिए 6ठे भाव में देखिए मिथुन राशि है बुध की, और
बुद्ध तो खैर अभी नमे आमने सामने है। बुद्ध जो है अभी धनु राशि में है, तो बुद्ध जो है बारहवें भाव में है, तो अपनी राशि को देख रहे हैं। तो बुद्ध जो है शनि मतलब मकर राशि वालों को इस समय विदेश से लाभ दिलाएंगे और धन धान की पूर्ति करेंगे, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी, कोई लोन मांग आया लोन मिल जाएगा, पैसे का लाभ हो सकता है, कि बुद्ध अपनी राशि को देख रहे हैं। तो मकर राशि के लिए स्पेशल टाइम है ये, कि मकर राशि के लिए शनि बहुत अच्छे बैठे हैं। और देखिए राहु राहु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो राहु जो है बहुत परिश्रम कराएंगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे भाई मकर राशि वालों, इसमें मेहनत करोगे मन लगा के तो लाभ मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा होगी लाभकारी होगी, भाई बहनों से लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, क्योंकि मकर राशि के लिए जो है मतलब दसवीं राशि है मगर, तो बारहवीं राशि मीन राशि जो है या राहु बैठे हुए हैं वो तीसरे भाव में अभी, और राहु की दृष्टि पड़ेगी केतु पर भाग्य पर, तो भाग्य भी वर्धन होगा, भाग्य बढ़ेगा, आपके विचारों का विस्तार होगा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें आप सोचेंगे। और राहु इस समय बृहस्पति के घर में है, तो बृहस्पति के अंडर समझिए, एक तरह से बृहस्पति जो चाहेंगे वही कराएंगे, तो बृहस्पति सुख भाव में है। तो मकर राशि के लिए मैं बता रहा हूँ ये टाइम स्पेशल है, जब साढ़े साथी उतरते चरणों में हो तो विशेष लाभ मिलेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बीमारियां धीमे धीमे ठीक होने की ओर अग्रसर होंगी, धन का लाभ होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिलेगा, जॉब में जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा और पद प्रतिष्ठा मिलेगी मिलेगी, सरकारी काम में तो सरकारी काम में विशेष लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ मकर राशि के लिए शनि की उतरती साढ़े साथी बहुत ज़बरदस्त लाभ करा रही है भाई, बहुत लाभ मिल रहा है। और मकर राशि में देखिए अभी सूर्य भी आने वाले हैं मकर राशि के लग्न में, तो सूर्य खुद लग्न में बैठेंगे जब, तो शरीर भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, सूर्य के भांत चमकने वाला शरीर होगा और दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, क्यों दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि पड़ेगी सूर्य की। तो मकर राशि का ये विशेष टाइम है, अब से समझ लीजिए चल गया टाइम, और जब तक साढ़े साथी उतरती है, कि उतरते हुए साढ़े साथी वाले शनि जो है आपको बहुत ज़्यादा सुख शांति, बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा धन सब देने वाले, धन तो देंगे ही देंगे भाई, धन भाव में बैठे शनि, धन भाव में बैठकर अपनी मकर राशि को नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई। तो मैं ये देख रहा था कि मकर राशि के साढ़े साथी अंतिम चरणों में है, तो इस राशि को अब विशेष लाभ मिलने वाला है, सब तरह से अच्छा होने वाला है। मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ, पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों बेल आइकन को प्रेस करें, और जाते जाते कमेंट में महागणेश नाम लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों नमस्कार।